संकट काल के दौरान पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य वृद्धि के विरोध में आम आदमी पार्टी ने साइकिल रैली निकाल विरोध प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी ने 3 किलोमीटर पैदल चल रैली के माध्यम से शिवराज सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ नारे लगाते हुए कलेक्ट्रेट के लिए प्रस्थान किया। आम आदमी पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष रानी अग्रवाल ने कहा कि जिस तरह पेट्रोल डीजल के दाम लगातार आसमान छू रहे, सरकार को इस मामले की तरफ ध्यान देना चाहिए। वह संदिग्धता मामले को लेकर राज्यपाल को बढ़ते हुए दामों को लेकर हस्तापेक्ष करना चाहिए। रैली के दौरान मोदी व शिवराज विरोधी नारे लगाते हुए राज्यपाल ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। जनता पूरी एकदम जोर हो गई है और 4 महीने से ये हुआ है और जब से डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ोतरी दर पे दर होती जा रही है, केंद्र में भी सरकार में भी इन सबसे हमसे आग्रह है कि इन सबको वापस ले और हमारे केंद्र के जितने अरविंद सीएम केजरीवाल जी हैं उनके आह्वान पे और हमारे कैबिनेट मंत्री गोपाल राय जी के और प्रदेश गोपाल जी के प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पे हम सब ने यहाँ पे डीजल पेट्रोल का ये दाम कम करने के लिए अपना ये सब किया है और हम अपना ज्ञापन देंगे कलेक्टर साहब को। अनिल दुबे की रिपोर्ट।